उत्तराखंड के रुड़की में आजकल जगह जगह खुलेआम अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने वाला विभाग हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पूरी तरह से चुप नजर आ रहा है। यह कहें कि विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से यह निर्माण जारी है, इसलिए अवैध निर्माण करने वाले भवनों के मालिक धड़ल्ले से कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी शिकायत करने के लिए विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव बंसीधर तिवारी से इस मामले में बात की तो उनका कहना है कि अवैध निर्माणों पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी हमने एक भवन को सील किया है, आज भी हमने एक भवन पर चल रहे कार्य को रुकवा दिया है। सचिव बंसीधर तिवारी जिस भवन के कार्य को रुकवाने की बात कह रहे हैं, उस भवन पर अभी भी कार्य जारी है और जिन भवनों को सील किया गया है वहाँ भी लगातार कार्य किए जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता अली जैदी की रिपोर्ट। लगातार बिना नक्शे पास कराए शहर के अंदर अवैध निर्माण चल रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, आप विगत में भी आप देख चुके हैं कि अवैध निर्माण पर लगातार हमारी सीलिंग की कार्रवाई जारी है। कल भी हमारे दो स्ट्रक्चर जो अवैध निर्माण बन रहे हैं उनको सील करेंगे और अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी सर एक जगह से शिकायत की गई थी, कुछ उसमें रुकवा दिया काम? हाँ बिल्कुल, मेरे संज्ञान में लाया गया है, कार्य हमने रुकवा दिया, सुनवाई डेट लगी है और उसकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।